नमस्कार, सक्सेस एरिया की ऑनलाइन क्लासेस में मैं बिकी रंजन आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जेटेट और सीटेट के अंतर्गत ज्योग्राफी विषय को, जिसमें हम लोग जानेंगे अपने सौर मंडल को। तो आइए परिचित होते हैं सूर्य के परिवार से। सौर मंडल, दोस्तों सौर मंडल का मतलब क्या होता है? तो सौर मंडल दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सौर और मंडल, जहाँ पे सौर का मतलब होता है सूर्य और मंडल का मतलब होता है परिवार। यानी जो सूर्य का परिवार है उसी को हम लोग सौर मंडल कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि सौर परिवार के कितने सदस्य हैं। तो आइए सौर परिवार के सदस्य को देखते हैं। तो दोस्तों सौर परिवार के जो सदस्य हैं उनका मुखिया सूर्य है, जिनको सर्वप्रमुख कहा जाता है। इन सभी सौर परिवार के जो सर्वप्रमुख हैं कौन है? सूर्य हैं। इसके अंतर्गत 8 ग्रह भी आते हैं और 172 उपग्रह भी हैं। उसके बाद कुछ क्षुद्र ग्रह भी हैं, धूमकेतु भी हैं, उल्काएं, धूलकण एवं साथ साथ में गैस, ये सब जितने सारे हैं ये सौर के परिवार हैं, मतलब सूर्य के परिवार हैं। तो दोस्तों ये जो सूर्य का परिवार है, इससे एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है हमारे सामने, और बहुत सारे एग्जामों में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि सौर परिवार में सूर्य है, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, धूलकण और गैस, बस इतना ही सौर परिवार के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है सौर परिवार का सदस्य नहीं है। तो आप लोगों को पता होगा कि इसका जो सही जवाब है वो क्या हो सकता है। तो ए नंबर ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह, बी नंबर उपग्रह, सी नंबर तारामंडल और डी नंबर धूमकेतु। तो दोस्तों ए, बी और डी, ये तीनों जो हैं सौर परिवार के सदस्य हैं। तो जो हमारा तारामंडल है वो इसका सदस्य नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तारामंडल, सी। चलिए यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि पूछ दिया जाता है सौर परिवार का मुखिया कौन है, या फिर सौर परिवार का मुखिया हम लोग किसको कहते हैं। जो परिवार का सर्वप्रमुख होता है उसी को मुखिया बोला जाता है। तो सौर परिवार का जो मुखिया है कौन है? सूर्य है। चलिए तो इस परिवार के मुखिया के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं सन के बारे में, सूर्य के बारे में। देखिए सूर्य को और किन किन नामों से जाना जाता है, इनके किन किन से उपनाम हैं। तो सौर मंडल का मुखिया भी सूर्य को ही कहा जाता है, सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है और सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ ऊर्जा का सबसे बड़ा जो स्रोत है कौन है? सन है। सबसे अधिक ऊर्जा हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होता है? सन से प्राप्त होता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं इसकी स्थिति के बारे में, ये कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों जो हमारा सूर्य है वो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। इसकी संरचना क्या है, कौन कौन से पदार्थ इसमें मिले होते हैं? तो सबसे पहला है हाइड्रोजन, इसमें 71% हाइड्रोजन है, 26%
26.5% हीलियम है और अन्य तत्वों की प्रतिशतता कितनी है तो 2.5%। और यही तीनों मिलकर किसका निर्माण करता है तो सूर्य का निर्माण करता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सूर्य के लिए जो और जो प्रयुक्त होने वाले कौन कौन से शब्द हैं। कि जब हम लोग सन के बारे में पढ़ रहे हैं तो कौन कौन से शब्द का सामना हम लोगों को करना पड़ेगा। तो सबसे पहला है प्रकाशमंडल। प्रकाशमंडल हम लोग किसको कहते हैं? तो दोस्तों, सूर्य का वह भाग जो हमें आंखों से दिखाई देता है उसे हम लोग प्रकाशमंडल कहते हैं। सूर्य का वह भाग जो हमें आंखों से दिखाई देता है उसे प्रकाशमंडल कहते हैं। उसके बाद आता है कोरोना। कोरोना क्या होता है? तो ये वो कोरोना नहीं है जो अभी महामारी का रूप लिए हुए है, ये सूर्य का एक भाग है। तो सूर्य का वह भाग जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसी को हम लोग कोरोना कहते हैं। सूर्य का वह भाग जो हम लोगों को सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसी को हम लोग कोरोना कहते हैं। उसके बाद हम लोगों को कभी कभी मिलता है सौर ज्वाला। कि सौर ज्वाला क्या होता है? तो प्रकाशमंडल में परमाणुओं की तेज तूफान होने के कारण कभी कभी सूर्य के प्रकाश क्या होती है तो सूर्य के आकर्षण शक्ति को पार कर अंतरिक्ष में चली जाती है और वही सौर ज्वाला के नाम से जानी जाती है। फिर से देखिएगा कि प्रकाशमंडल में परमाणुओं की तेज तूफान होने के कारण कभी कभी सूर्य की प्रकाश सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार कर कहाँ पे चली जाती है तो अंतरिक्ष में चली जाती है, जिसे हम लोग सौर ज्वाला कहते हैं। उसके बाद देख लीजिए, ये हमारे सामने कुछ फिगर है उसको भी हम लोग देखते हैं। क्या अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रकाशमंडल के बारे में, कोरोना के बारे में और सौर ज्वाला के बारे में। अब हम लोग इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, ये वाला भाग ही क्या कहलाता है? कोरोना कहलाता है। कोरोना मतलब जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, ये जो सूर्य ग्रहण के समय हम लोगों को दिखाई दे रहा है ये वाला भाग, यही क्या कहलाता है? तो कोरोना कहलाता है। उसके बाद है दूसरा फिगर। दूसरा फिगर में सौर ज्वाला को दिखाया गया है। सौर ज्वाला क्या होता है? तो अभी अभी मैंने बताया कि प्रकाशमंडल में जब परमाणुओं की तेज तूफान होती है तो इसके कारण सूर्य की जो प्रकाश होती है सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार कर अंतरिक्ष में चली जाती है। तो वही यहाँ पे ये जो भाग दिख रहा है हम लोगों को प्रज्वलित भाग, वही क्या कहलाता है? तो सौर ज्वाला कहलाता है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आप सौर ज्वाला को और देख सकते हैं कि ये जो भाग दिखाई दे रहा है वही क्या कहलाता है? सौर ज्वाला है। उसके बाद हम लोग जानते हैं सौर कलंक को। सौर कलंक क्या होता है ये भी हम लोगों को सुनना पड़ता है, सौर कलंक के बारे में भी। तो सौर ज्वाला जहाँ से निकलती है वहाँ काला धब्बा दिखाई पड़ता है। जहाँ से सौर ज्वाला निकलती है वहाँ पे क्या होता है? काला धब्बा बन जाता है। काला धब्बा हम लोगों को दिखाई पड़ता है जिसे हम लोग सौर कलंक कहते हैं। सौर कलंक के नाम से जाना जाता है। तो इसको भी हम लोग चित्र के माध्यम से समझेंगे कि सौर कलंक जो है क्या है, कैसा दिखता है। उसके बाद है दोस्तों अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलियस।
देखिए, अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलियस ये क्या होते हैं? तो सौर ज्वाला वायुमंडल में प्रवेश कर रंगीन प्रकाश उत्पन्न करती है। एक बहुत ही अमेजिंग प्रकाश उत्पन्न होता है आसमान से, और वो प्रकाश सिर्फ कहाँ पे दिखाई देता है? तो ध्रुवों पर दिखाई देता है। और सौर ज्वाला से इस निकले रंगीन प्रकाश को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको उत्तरी ध्रुव में बोला जाता है अरोरा बोरियालिस, और दक्षिणी ध्रुव में जब हम लोग जाएंगे तो इसको बोला जाता है अरोरा ऑस्ट्रेलियस। बहुत ही सुंदर प्रकाश निकलती है। तो देखिए, देख लेते हैं हम लोग भी क्या होता है अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलियस कैसा दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम लोग सौर कलंक देखिए, यहाँ पे जहाँ से क्या होती है सौर ज्वाला निकलती है वहाँ पे काला धब्बा दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को। ये जो काला धब्बा है ये सब वही क्या है? तो सौर कलंक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, चलिए, अरोरा बोरियालिस को और अरोरा ऑस्ट्रेलियस को। देखिए, ये जो प्रकाश दिख रहा है यहाँ पे ग्रीन ब्लू पर्पल कलर का, यही क्या चीज़ है? तो अरोरा बोरियालिस है। अरोरा बोरियालिस हम लोग इसी को कहते हैं। और ये कहाँ पे दिखाई देता है हम लोगों को? तो उत्तरी ध्रुव में दिखाई देता है। उत्तरी ध्रुव में दिखाई देता है, नॉर्थ पोल पे दिखाई देता है। उसके बाद एक और फिगर है हमारे सामने, देखिए ये वाला, इसी को हम लोग कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलियस। दोस्तों, ये हम लोगों को कहाँ दिखाई देता है? तो दक्षिणी ध्रुव पे, जो साउथ पोल है वहाँ पे दिखाई देता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तरी ध्रुव पर देखे जाने वाले रंगीन प्रकाश को क्या कहा जाता है? तो उत्तरी ध्रुव पर जब हम लोग देखेंगे उस प्रकाश को तो अरोरा बोरियालिस, और जब दक्षिणी ध्रुव पर इसको देखेंगे तो उसका नाम हो जाता है अरोरा ऑस्ट्रेलियस। देखिए, एक और क्वेश्चन यहाँ से बन के आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य के कोरोना का अध्ययन एवं धरती पर इलेक्ट्रॉनिक संचार में व्यवधान पैदा करने वाली सौर लपेटों की जानकारी हासिल करने के लिए भारतीय अनुसंधान अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस उपग्रह का निर्माण किया है? तो दोस्तों, बता दें कि आदित्य वन, जिसको 2017-20 में लॉन्च किया गया था, वो क्या करता है? तो हमारे सूर्य के जो कोरोना वाले भाग होते हैं उसका अध्ययन करता है, और इसके साथ साथ हमें यह बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक संचार में हम लोगों को कौन कौन सा व्यवधान पैदा होता है, किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, और उससे हम लोग कैसे निपट सकते हैं। तो ये सब सारी जानकारी हम लोगों को कौन देता है? आदित्य वन उपग्रह देता है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, आदित्य वन उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों, आपको बता दें कि 2017-20 में इसका प्रक्षेपण हुआ था। देखिए, चलिए अब हम लोग जान लेते हैं सूर्य से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है सूर्य के बारे में, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला है सूर्य से न्यूनतम दूरी। सूर्य से न्यूनतम दूरी इसकी कितनी है? तो 14.70 करोड़ किलोमीटर, ये इसकी न्यूनतम दूरी है। उसके बाद पृथ्वी से इसकी अधिकतम दूरी कितनी है? तो 15.21 करोड़ किलोमीटर। और पृथ्वी से हम लोग माध्य दूरी इसकी ज्ञात करेंगे तो कितना होगा? 14.98 करोड़ किलोमीटर। देखिए, अब हम लोग इसके व्यास को जानते हैं कि सूर्य कितना बड़ा है, इसका व्यास कितना है। तो इसका व्यास लगभग 13,92,000 किलोमीटर है, 13,92,000 किलोमीटर है,
जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। मतलब पृथ्वी से लगभग कितना गुना बड़ा है हमारा सूर्य, तो 110 गुना बड़ा है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं सूर्य के आयतन के बारे में कि सूर्य का आयतन कितना है। तो इसका आयतन पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक है। पृथ्वी से 13 लाख गुना। इसकी द्रव्यमान कितनी है? तो इसकी द्रव्यमान 3,32,000 गुना है। किससे? तो पृथ्वी से 3,32,000 गुना अधिक है। इसका तलीय गुरुत्व पृथ्वी से 28 गुना है। इसका केंद्रीय घनत्व कितना है? तो 100 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और इसका रासायनिक संघटक हम लोग देखें कि रासायनिक संघटक हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 26.5% है और अन्य पदार्थ है 2.5%। टोटल मिलाकर 100% हो जाते हैं और यही इसके रासायनिक संघटक हैं। इसका जो फोटोस्फीयर है, फोटोस्फीयर का मतलब सतह, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में पूछता है कि सूर्य के सतह का तापमान कितना है, तो इसका जो सतह है उसका तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। केंद्र का तापमान कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। उसके बाद सूर्य धब्बों का ताप कितना है? तो 1500 डिग्री सेल्सियस। देखिए इसकी ऊर्जा उत्सर्जन करने की जो दर है वो कितनी है? तो 10^26 जूल प्रति सेकेंड। 10^26 जूल प्रति सेकेंड। इसका केंद्रीय दबाव कितना है? 1 अरब एटमॉस्फेयर। इसका केंद्रीय दबाव 1 अरब एटमॉस्फेयर। देखिए उसके बाद इसकी घूर्णन दिशा, कि इसकी घूर्णन दिशा क्या है, किधर से किधर ये गति करती है। तो इसकी घूर्णन दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है। हमारा जो सूर्य है वो किधर से किधर घूमता है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर। उसके बाद है घूर्णन अवधि। घूर्णन अवधि इसकी कितनी है? तो 25.38 दिन। और किसके सापेक्ष है? तो भूमध्य रेखा के सापेक्ष है। और 33 दिन किसके सापेक्ष लग जाते हैं इसको? तो ध्रुवें के सापेक्ष। जब ये घूर्णन करती है तो इनको 33 दिन का समय लगता है। इसकी आयु कितनी है? सूर्य की आयु जो है 5 बिलियन वर्ष। लगभग कितनी है? 5 बिलियन वर्ष। देखिए ये एक सौर चक्र कितने दिनों में पूरा करता है? तो एक सौर चक्र 22 वर्ष में पूरा करता है। और इसकी जब परिक्रमण काल की हम लोग बात करते हैं तो इसका जो परिक्रमण काल है 25 करोड़ वर्ष है। कितना है दोस्तों? 25 करोड़ वर्ष। देखिए उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुँचने में लगा समय कितना समय लगता है हमारा जो सूर्य है उसको, उसके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में? तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। कितना? 8 मिनट 20 सेकंड। अब हम लोग इस प्रकाश की चाल की अगर बात करते हैं तो कितने स्पीड से ये हमारे पृथ्वी तक पहुँचता है? तो 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से हमारे पृथ्वी पे पहुँचता है। देखिए आगे है मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से सूर्य की दूरी कितनी है? मंदाकिनी से इसकी जो दूरी है वो कितनी है? तो 30,000 प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? तो 9.45 × 10^13 किलोमीटर। मतलब 9.45 × 10^13 किलोमीटर। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देता है एग्जाम में कि एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं। और ये भी पूछता है साथ में कि प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। और दूरी की अगर सबसे बड़ी मात्रक की हम लोग बात करते हैं तो सबसे बड़ा मात्रक हमारा पार्सेक है, जिसको हम लोग एक पार्सेक कहते हैं।
एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? तो 3.6 प्रकाश वर्ष, और यह दूरी की सबसे बड़ी मात्रक है। दूरी की सबसे बड़ी मात्रक कौन है? पारसेक है। और इसके फैक्ट को जानते हैं, तो सूर्य जो है प्रतिवर्ष 12 तारामंडलों से होकर गुजरता है। सूर्य कितने तारामंडल से होकर गुजरता है? तो प्रतिवर्ष 12 तारामंडल से। उसके बाद है पृथ्वी को सूर्यातप का 2/1000 भाग मिलता है। इसका जो टोटली ताप है उसका सिर्फ 2/1000 भाग ही हम लोगों को मिल पाता है। देखिए उसके बाद है बहुत ही इम्पोर्टेंट कि सूर्य अपने अक्ष पर कितना डिग्री का कोण बनाती है? तो 7 डिग्री का कोण बनाती है। सूर्य अपने अक्ष पर कितना डिग्री का कोण बनाती है? 7 डिग्री का। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सूर्य में मौजूद सभी पदार्थ किस अवस्था में पाए जाते हैं? कि सूर्य में जितने सारे पदार्थ होते हैं वो सब किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो प्लाज्मा या फिर आयन अवस्था। दोस्तों प्लाज्मा जो होती है पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। 3 तो हम लोग जानते ही हैं, ठोस, द्रव और गैस। उसके साथ साथ जो हमारा प्लाज्मा है वो चौथा अवस्था है, जिसको हम लोग आयन अवस्था भी कहते हैं। तो सूर्य में जितने सारे पदार्थ होते हैं सब प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। देखिए ये जो प्लाज्मा अवस्था है इसका खोज सबसे पहले किन्होंने किया? तो लैंगबोर नामक भौतिक शास्त्री जो थे, सर्वप्रथम 1923 ईस्वी में प्लाज्मा शब्द का प्रयोग किया। और इन्होंने ही बताया कि पदार्थ की एक चौथी अवस्था होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। लेयर ऑफ सन, जो सूर्य का लेयर है उसको हम लोग देख लेते हैं कि सूर्य के कितने लेयर हैं, कौन कौन लेयर हैं। तो सबसे पहला है कोरोना, जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है जिसको हम लोग सूर्य किरीट भी कहते हैं। तो सूर्य किरीट सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय जो भाग हम लोगों को दिखाई देता है उसी को हम लोग कोरोना कहते हैं। यह एक्सरे उत्सर्जित करता है। कौन सा रे उत्सर्जित करता है? एक्स किरण, एक्सरे। इसका तीव्र तापमान इतना ज़्यादा है कि अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है, इसलिए जब सूर्य ग्रहण लगता है तो हम लोग उसको नंगी आंखों से नहीं देखते हैं, क्योंकि उसका जो तापमान होता है बहुत ही तीव्र होता है और हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। उसके बाद है वर्णमंडल। वर्णमंडल प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होता, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रकाश मंडल जो है, प्रकाश मंडल इसके नीचे वाला भाग है, और बाहरी कोरोना के बाद कौन आ जाता है हमारा, बाहर से हम लोग देख रहे हैं तो कोरोना के बाद आ जाता है हमारा वर्णमंडल, क्रोमोस्फेयर। तो प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होता क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, इसे वर्णमंडल कहते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, जो सूर्य का वायुमंडल है वो क्या कर लेता है? प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसका जो रंग है वो कैसा होता है दोस्तों? तो लाल होता है। इसका रंग लाल होता है। अब मोटाई इसकी कितनी होती है? तो इस परत की मोटाई 2000 से 3000 किलोमीटर प्रकाश मंडल के ऊपर और कोरोना के अंदर। चलिए आगे है फोटोस्फेयर, जिसको हम लोग प्रकाश मंडल कहते हैं। तो सूर्य का जो सतह होता है, जो हम लोगों को दिखाई पड़ता है, जिसको हम लोग देख पाते हैं अपने आँखों से, वो प्रकाश मंडल ही होता है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल कहा जाता है, ये वाला भाग को। देखिए इसका जो तापमान होता है दोस्तों वो कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। इसका तापमान कितना होता है?
6000 डिग्री सेल्सियस। चलिए उसके बाद है, हम लोग जानते हैं कॉन्वेक्शन जोन, जिसको संवहनीय मेखला कहते हैं। तो प्रकाशमंडल के बाद वाला जो है सूर्य के तीसरे स्तर को हम लोग क्या कहते हैं, संवहनीय मेखला। यह कोशिकाओं से निर्मित होती है और इस मेखला के नीचे बड़ी तथा ऊपर छोटी कोशिका पाई जाती है। मेखला के नीचे बड़ी कोशिका और ऊपर छोटी कोशिका पाई जाती है। इसकी मोटाई कितनी होती है, तो 1.39 लाख किलोमीटर। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है रेडिएशन जोन, जिसको हम लोग विकिरण मेखला कहते हैं। तो क्रोड के चारों ओर जो ढका हुआ क्षेत्र रहता है, उसी को हम लोग रेडिएशन जोन कहते हैं। ये वाला जो भाग है हमारा, ये वाला भाग, वही क्या है हमारा, रेडिएशन जोन है। ये वाला भाग रेडिएशन जोन है। इसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो 3.82 लाख किलोमीटर, 3.82 लाख किलोमीटर होती है। चलिए उसके बाद है अंतिम। तो अंतिम वाला जो होता है क्रोड, जिसको हम लोग केंद्र कहते हैं, कोर। सूर्य का केंद्रीय भाग ही क्रोड कहलाता है। सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है, यहीं पे ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ऊर्जा का जो स्रोत है क्रोड है, यहीं से क्या होता है, तो हाइड्रोजन और हीलियम संलयन करते हैं और हम लोगों को ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त होता है। इसका तापमान कितना होता है, तो सबसे अधिक होता है इसका तापमान 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस, 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस। तो आज हम लोगों ने जाना सौर परिवार का जो मुखिया है सन, उसके बारे में। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे सौर मंडल के जो पिंड हैं उनके बारे में। सौर मंडल में कौन कौन से पिंड उपस्थित हैं, कौन कौन से ग्रह हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आप हमेशा अपडेट रहें। दोस्तों अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो मैं इस वीडियो के साथ व्हाट्सएप ग्रुप भी दे दूँगा, व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा, वहाँ पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।